देश की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार उद्योगपति सावित्री जिंदल की बीजेपी से बगावत को उनके बेटे नवीन जिंदल ने सही बताया है। बता दें कि नवीन कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं। नवीन जिंदल ने कहा कि मैं पार्टी के टिकट वितरण के फैसले को सही मानता हूं, लेकिन मैं अपनी मां के फैसले का भी सम्मान करता हूं। जिंदल ने कहा कि मेरी मां के 4 बेटे और 5 बहने हैं। हम कुल मिलाकर 9 भाई बहन मां के साथ हैं। इसके अलावा पूरा हिसार मेरा परिवार है। मेरे पिता और मेरी मां का हिसार लंबे समय से कार्यक्षेत्र है। यहां के लोग भी उनका परिवार हैं। इस कारण से मां ने अपने परिवार की सेवा के लिए जो भी फैसला लिया है मैं उसका सम्मान करता हूँ और साथ भी दूंगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं क्योंकि देखिए मैं हिसार शुरू से जिंदल साहब ने हिसार में चुनाव लड़ा और जिंदल साहब हिसार की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 2005 में अचानक जो आप लोगों को मालूम है जो हादसा हो गया, जिंदल साहब हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद हिसार की जनता ने मुझे मतलब बीच में ले आए अपने और मैंने 10 साल उनकी सेवा की। और उसके बाद 10 साल भी मतलब 20 साल हो गए, समझिए 20 साल अगर हो जाएंगे, तो मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ, मुझे एक सेवा करने का मौका मिले जिससे कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। और ये वैसे भी मेरा लास्ट चुनाव है, इस समय मैं अपने जो मेरे अधूरे काम है जो बाकी रह गए कुछ भी वो सारे मैं पूरा करके और अपने हिसार की जनता के सारे काम कर देना चाहती हूँ। सब करके मुझे भी मतलब मैं भी छुट्टी लूँ और मेरी जनता जो है, मेरे बच्चे जो हैं, हिसार परिवार मेरा खुश हो जाए कि हाँ भाई उन्होंने आके हमारी सेवा की, हमारे काम किए।